आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने ये पत्र जारी किया है। आपको बता दें, बिहार में कक्षा एक से लेकर के आठवीं तक में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों की बहाली होने जा रही है और इसके लिए आवेदन जो शुरू होने जा रही है वो आवेदन की प्रक्रिया अगले माह यानी कि अगस्त से शुरू हो जाएगी। और ये पत्र जो जारी किया गया है वो ये आज का पत्र है, आप देख सकते हैं अरविंद कुमार वर्मा जो कि निदेशक है प्राथमिक शिक्षा का। आपको बता दें यहाँ पर यह देख सकते हैं सेवा में स्पष्ट दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना विषय की बात करें तो राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में वर्ष 2019-20 में शिक्षक के नियोजन हेतु रिक्तियों के समेकन के संबंध में, जी हाँ आपको बता दें शिक्षकों की रिक्तियों जो होने जा रही है 2019-20 में, इसको लेकर के ये जुड़ी जो है और कितने रिक्ति है इससे संबंधित ये सूचना जारी की गई है। उपयुक्त विषय के संबंध में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में यानी कि वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई होती हुई रिक्तियों के समेकन की आवश्यकता है। अतः वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन हेतु अपने जिले की नियोजन इकाईवार जो है रिक्तियों से संबंधित विवरणी संलग्न प्रपत्रों में 1 सप्ताह के अंदर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यानी कि ये सभी जानकारी 1 सप्ताह के अंदर जो है उपलब्ध कराने की बात कही गई है 2019-20 में जो शिक्षकों की बहाली होने जा रही है इसको लेकर के। और यहाँ पर जो डाटा भरना है वो ये है, जिला का नाम बिहार में आपको बता दें यहाँ पर नगर निगम, नगर परिषद और इसके अलावा जो है नगर पंचायत प्रखंड और इसके अलावा पंचायत के स्तर पर जो शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। और जो डिटेल भरना है वो आपका ये भरना है कि स्वीकृत पद कितना है, कार्यरत शिक्षक कितने हैं और रिक्ति कितने हैं। कौन से कौन के विषय की बात करें तो कक्षा 1 से 5 को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं और 6 से 8 को लेकर के। कक्षा 1 से 5 में सामान्य विषय है उर्दू, बंगला, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित या विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान या टोटल दिया गया है। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 की तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित या फिर विज्ञान, इसके अलावा जो है सामाजिक विज्ञान, ये सभी डिटेल देना है कि कितने स्वीकृत पद है, कितने कार्यरत शिक्षक है और कितनी रिक्तियाँ, ये सभी उपलब्ध कराने के यहाँ पर जो है ये पत्र जारी किया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है निदेशक है प्राथमिक शिक्षा का अरविंद कुमार वर्मा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय मानी कि वर्ष 2019-20 में शिक्षक के नियोजन हेतु रिक्तियों के समेकन के संबंध में ये पत्र जारी किया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने। ये पत्र जो जारी किया गया है वो आपको बता दें ये आज जारी हुआ है, देख सकते हैं आप 24/7/2019 को। तो फिलहाल इस अपडेट में